कोरोना वायरस के जिम्मेदार पाए जाने पर चीन को भारी भरकम भयंकर नुकसान झेलने होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है चाइना को आज कुछ समय में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होने वाला है अब चाइना के साथ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के लिए जानबूझ के जिम्मेदार होने पर चीन को भयंकर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा, यह शुरू होने से पहले चीन में ही से रोका जा सकता था, पर चीन ने इसके बारे में पूरी दुनिया को जानकारी नहीं दी और ना ही किसी को बताया इतना कुछ खास, बल्कि चीन इसे छुपाता रहा और आज इसका पूरी दुनिया शिकार बन चुकी है आज की तारीख में। तो दोस्तों, ये लड़ाई दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आज की तारीख में छिड़ चुकी है, जिसमें एक चाइना है, दूसरी तरफ है अमेरिका। तो दोस्तों, चाइना की तरफ कुछ खास नहीं है, जबकि अमेरिका की तरफ नाटो है, यूरोप है, एशिया के बहुत बड़े बड़े देश है, जैसे कि भारत भी अमेरिका के साथ ही है आज की तारीख में। तो दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि ये समय सहयोग का है, ना कि आपसी लड़ाई का। हालांकि उनका मानना भी सही है, क्योंकि इस समय ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में ट्रंप ने चीन पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप चीन पर इलेक्शन जीतने के लिए प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। इसके साथ चीन की बड़ी कंपनियों को भी वे बंद कर सकते हैं, जो कि उनके गुस्से के दायरे में आने वाली है। पूरा नाटो और यूरोप और अमेरिका चीन के खिलाफ भारी गुस्से में है। जी हाँ दोस्तों, भयंकर गुस्सा है पूरी दुनिया में चीन को लेकर, क्योंकि चीन जो सामान भेज रहा है तो वो नकली है, उससे गुस्सा बढ़ रहा है दुनिया का। साथ ही चीन पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदने में लगा है और दूसरे की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। अब नाटो, यूरोप, अमेरिका चीन से बुरी तरह से भयंकर गुस्से में है। सभी देश चीन से अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में अगर इस तरह की कोई बीमारी या कुछ फैलता है तो वे अपने आप ही अपनी जो दवाइयाँ या मास्क है उन्हें बना सकें, ना कि अब लाचार होकर, जैसे आप दुनिया लाचार है चीन पर निर्भर है, रह सकें। क्योंकि दोस्तों, चीन इस समय भी अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ाने में लगा है। चीन युद्ध अभ्यास कर रहा है, तो दक्षिण चीन सागर में अपने ड्रोन्स भेज रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर रहा है, डिस्ट्रॉयर लॉन्च कर रहा है, वह अपनी पूरी सेना पूरी दम लगाकर आज की तारीख में बढ़ा रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि हम हैं नई महाशक्ति। क्योंकि वायरस अब अमेरिका सेना में भी फैल चुका है और अमेरिकी सेना अमेरिका के लिए बहुत खास है। वो अमेरिकी सेना पर मान लो उनका एक भी मर जाता है तो वो उसके बदले 10 मारते हैं दोस्तों, और घर में घुस के। तो अमेरिका में उनकी सेना पर आज की तारीख में हिट किया है चाइना ने, और अमेरिका इसका बदला बहुत भयंकर तरीके से आने वाले समय में लेगा चीन से। ट्रंप और दुनिया के कई देश आज चीन की साजिश का पर्दाफाश करने में लगे हैं, और जैसे ही ये साजिश का पर्दाफाश होगा, चीन पर भयंकर कार्रवाई होने वाली है पूरी दुनिया की तरफ से, क्योंकि कई देश चीन से हर्जाना वसूलने की तैयारी में है। ऐसे में कई देश के सांसद अपनी संसद में प्रस्ताव लेके आ चुके हैं कि चीन से हमें हर्जाना चाहिए। अमेरिका में भी ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। साथ ही चीन के नकली किट और मेडिकल सामान से भी दुनिया गुस्से में है। अमेरिका में 7,20,000 केस हैं और 37,000 मौतें आज की तारीख में हो चुकी हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।